आज लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एनवायरनमेंट कंपलसरी है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लास्टिक पोल्यूशन पर सारे क्वेश्चन होंगे। इसको मैंने थीम वाइज अरेंज किया है। इसमें है प्लास्टिक पोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशियंस एंड वाटर बॉडीज। ऑप्शन है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, वेस्ट हाउसहोल्ड वेस्ट, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, लैंडफिल्स। हिंदी में है, महासागरों और जल के निकायों में प्लास्टिक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इनमें उत्तर देना है। उत्तर वेरी इजी है, मैं साथ में बताता जाऊंगा। जो नॉलेज बेस हैं, जो लर्न कैसे करने हैं, मेमोरी ट्रिक्स कैसे लगाने हैं, उनको अलग से बताता चलूंगा। तो प्राइमरी सोर्स ओशीन एंड वाटर बॉडीज में है हाउस होल्ड वेस्टेज, घरेलू कचरा सबसे ज्यादा जो है प्लास्टिक पोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम। इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इस पर वक्त नहीं लगाऊंगा। तो कांच की बोतल है, धातु फुआल है, प्लास्टिक बैग है, सिरेमिक प्लेट है। मोस्ट कॉमन यूज हम जानते ही हैं, प्लास्टिक बैग हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पोल्यूशन का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है। एयर पोल्यूशन, वाटर स्केयरसिटी, पानी की कमी। अगर यहां से ना पता चले तो आप हिंदी में इधर पढ़ लीजिए। डीफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, समुद्री परिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, मैरीन इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। मैरीन को मैं सब मरीन से याद कर लेता हूं कि ये क्या बात है। सब मरीन पन डूबी है ना, कहते हैं पन डूबी है ना, पानी में डूब के जो चलती है। इट मींस के सी लेवल की बात हो रही है, नीचे वाली बात हो रही है, वहां का जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेडेशन उनकी हो रही है। तो अब मेजर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, एयर से है नहीं दिखाई देता, वाटर में है, वाटर की कमी नहीं ना हो जाएगी उसमें, है ना। डिफॉरेस्टेशन नहीं बन रहा, तो मेजर कॉज मैरीन इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज एस्टिमेटेड टू एंड अप इन द ओशियन। महासागरों में कितने प्रतिशत प्लास्टिक कचरा समाप्त होने का अनुमान है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, 15 आंसर है 15%, 15% बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डीकंपोजिशन टाइम फॉर ए प्लास्टिक बॉटल इन एनवायरनमेंट। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो वाले बेसिक मैंने येलो कलर जिनको किया है वो इंपॉर्टेंट ही है। पर्यावरण में प्लास्टिक की बोतल जिसमें हम पानी पीते हैं ना, का अपघटन का अनुमानित समय क्या है। राइट वैसे है 450 साल, तो उसके करीब कौन सा बन रहा है, ये 50 नहीं बनेगा, ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये बना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मिडल वैल्यू को प्रेफर करना है, मिड वैल्यू को, एक्सट्रीम को नहीं। फॉर एग्जांपल इसको और इसको सबसे पहले डिलीट करेंगे और इसमें से सोचा जाएगा। मेरे ख्याल में मोस्टली 100 लगा देंगे, लेकिन यहाँ प्लास्टिक बॉटल है जो पेट से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट हार्मफुल इन द एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, पीईटी है ना। देखिए पी जो बार बार आएगा, टाइप ऑफ प्लास्टिक है, पी बार बार आएगा, पी पॉली इसका नाम है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप याद कीजिए, फॉर एग्जाम्पल ईटी है ना, ये ईटी है, मैंने कैसे इसको याद रखा है, एथेलेने या इसको हिंदी में कर लिया, तेरे पे लेटा था, तेरे पे लेटा
था, अगर इसकी फुल फॉर्म ऐसे आएगा था, पूछी जाती है, तो ऐसे आप किसी मीनिंगफुल जो अपने लाइफ के सेंटेंस से वो लर्न करने के लिए, क्योंकि आपने अंदर ही रखना है तो वो जल्दी याद रहता है। दूसरा तरीका इसको याद करने का, एक बोतल है लेटी हुई है, जब ये पेट करवाऊंगा तब ये टेक्निक्स आपको बता दूंगा कैसे याद रखने हैं। ये डिफिकल्ट नेम अगर आप कमेंट कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा। PVC है ना, तो ये ET है पेट, पेट वैसे ईजी है याद करना। PVC है ना, PVC ये C है, C को मैं ऐसे दो बार कर देता हूँ तो मुझे याद रहता है कि ये थर्ड इसका रेसिन आइडेंटिफाई कोड जो है, अगर पूछा जाए तो वो थर्ड है। PVC है, हाई डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी इतना ही याद रखना है। PE पॉलीएथिलीन, ये तो रिपीट हो रहा है, हाई डेंसिटी इसमें याद रखना है, लो डेंसिटी याद रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे हानिकारक क्या है, वो है PVC। तो अभी हमारे इसमें डोर्स में, बिल्डिंग्स में, पाइप्स में यूज होता है। जब इसको किसी और मेटल में मिक्स कर दिया जाता है, इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, तो ये जैसे केबल है, इलेक्ट्रिक केबल है, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। ये PVC ही साथ में मिलता है, इसकी इमेज देख सकते हो, जो PVC है हार्ड पार्ट, रिजिड पार्ट इसका, और ये फ्लेक्सिबल पार्ट, फ्लेक्सिबल पार्ट प्योर PVC है ना, साथ में कोई केमिकल या मटेरियल मिलके ये बनते हैं, जैसे टॉयज भी बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इस पर डिफरेंट बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट मेरीन लाइफ। सातवां क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन के कैसे प्रभावित करता है। इट इम्प्रूव्स देयर हैबिटेट। देखिए, प्रभावित प्लास्टिक जो पोल्यूशन है, सिंपल बात है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये पोल्यूशन नेगेटिव टर्म है, तो इम्प्रूव करना एक पॉजिटिव चीज है, तो ये नहीं होगा। इट एनहांस देयर फूड सोर्स, ये भी पॉजिटिव है, नहीं होगा। इट एंटेंगल्स एंड हार्म देम, ये नेगेटिव है। देखिए, ये सॉल्व करने का ढंग है। इट इंक्रीजेस देयर रिप्रोडक्टिव रेट, है ना, इसको भी पॉजिटिव कहा जा सकता है, जहां मतलब जीरो, जहां क्वेश्चन मार्क में भी डाला जा सकता है। तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये सी वाला राइट आंसर हो गया। ये उन्हें उलझाता है और नुकसान पहुंचाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स लेस देन 10 mm साइज, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक पार्टिकल्स लेस देन 5 mm साइज, रिसाइकल्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अब क्या है कि माइक्रो का मीनिंग ही बहुत, मीन बहुत छोटा, एक शब्द है मैक्रो, मैक्रो बहुत बड़ा, माइक्रो है बहुत छोटा। जब अगर आपको लैंग्वेज के, वोकैबुलरी के, शब्दावली के अर्थ पता है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा छोटा, जो आंख से भी दिखाई नहीं देता है ना, वो होता है नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये तो बाहर हो जाते हैं, ये साइज की बात नहीं कर रहे, ये भी साइज की बात नहीं कर रहे, दो साइज की बात कर रहे हैं। अब एक ही डिफरेंस है कि 10 या ये, तो राइट आंसर 5 mm है, इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9th हमारे पास, विच कॉन्टिनेंट इज नोन फॉर हैविंग ए सिग्निफिकेंट प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम। देखिए भाई, इसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। मैंने एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा तो वो, उसने एकदम कह दिया कि एशिया। मैंने कहा ये क्यों कहा, कहते यहीं ज़्यादा गंद पड़ता है। तो देखिए, इतनी कॉमन सेंस से कई बार क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। सो एशिया सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है, जिस हाँ कॉन्टिनेंट में। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशीन। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। हिंदी में वही लिखे हैं, स्टॉकहोम। तो राइट आंसर यहां पर है बेसल कन्वोकेशन कन्वेंशन, सॉरी। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अकुमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशीन गियर्स। समुद्र के चक्रों में प्लास्टिक के कचरे का संचय का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओशीन
एसिडिफिकेशन, कॉरल ब्लीचिंग, ये तो पढ़ा भी नहीं जा रहा मेरे से, यूट्रोफिकेशन, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो ये गार्बेज शब्द से मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। अगर मैं इसको, नॉलेज मेरे पास नहीं है इसकी, तो मैंने देखना था लॉन्ग टेल कौन सा है, लॉन्ग टेल पर फिर अप्लाई करनी थी रीजनिंग, तो ये मुझे वर्ड लगा। दैट इज़ वाई राइट आंसर ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कॉमनली यूज इन बेवरेज बोतल बॉटल्स, जो आप पानी पीते हो ना, जिसमें ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये आप जो खाने पीने वाला लिक्विड, जैसे जो बेवरेज मीन जो आप पीने वाली चीज़ों के लिए जो बॉटल्स यूज़ की जाती है, तो इसमें अब जब करेंगे तो सबसे पेट इसका राइट आंसर है। कारण क्या है कि पेट का टी याद रखना है, टी याद रखने से क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होता है इसकी एक क्वालिटी है, तो बोतल ट्रांसपेरेंट है, वहां से आपको याद रहेगा पेट। मेरे पे लेटा था, मेरे पे लेटे थे, राइट आंसर। तो पीवीसी नहीं यूज होती, बहुत रिजिड होती है ये, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, इनमें ये तो दो पक्के ही रिजेक्ट होंगे ना, ये पक्के रिजेक्ट होंगे। हाई डेंसिटी जो वाले हैं वो जो उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उसको वैसे हाई डेंसिटी वाले कहते हैं, लो डेंसिटी वालों से कन्फ्यूज किया जा सकता है, लेकिन पेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ डज प्लास्टिक पोल्यूशन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, इट इम्प्रूव्स, इजी क्वेश्चन है, इम्प्रूव नहीं करता, इट रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज, है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि रिड्यूस और डिसीज ये पॉजिटिव हो गया ना, इट कैन लीड टू टॉक्सिक एक्सपोजर, है ना, ये राइट आंसर होगा। एनहांस मेंटल वेल बींग, ये भी पॉजिटिव है, ये सिर्फ नेगेटिव है, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ प्लास्टिक, इट्स अफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक अपील, बायोडिग्रेडेबल। देखिए बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है, है ना, तो कितने साल लग रहे हैं, 450 एक बोतल को, तो एस्थेटिक अपील ज़रूरी नहीं, सारी प्लास्टिक सुंदर हो। अफोर्डेबिलिटी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन राइट आंसर है ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि इतनी देर तक ये टिकी रहती है। प्लास्टिक को देखिए आप घर में कितनी देर तक यूज़ कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पीछे रह गया था, ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयोग प्लास्टिक बैग का विकल्प है, तो ये इजी है, पेपर बैग हम यूज़ कर सकते हैं, क्लोथ बैग भी यूज़ कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स, तो ये सिंपल आंसर ऑल ऑफ द अबव है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द 3 R's इन रिलेशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, 16वां क्वेश्चन है, 3 R's, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है कि रिड्यूस, रिकवर, रिसाइकल, रिसाइकल लास्ट में आएगा ये मुझे पता है, तो रिसाइकल जिसमें लास्ट में है वो क्या क्या होगा, रिप्लेस नहीं होगा, ये वाला क्रॉस हो गया, रिसाइकल या ये है इसमें से हो सकता है, रिएक्टिव ये भी नहीं हो सकता, अब दो मैंने डिलीट कर दिए, मेथड होता है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रिकवर, रिकवर इज रॉन्ग, और इसके बेस पर राइट आंसर मैंने सी लगा दिया कि उसका यूज़ को कम करना है, अगर यूज़ कर लिया है तो दोबारा दोबारा उसको यूज़ कर लें, जब वो ख़त्म हो गया है तो रिसाइकल हो के उसका प्रयोग हो सके। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, 17वां क्वेश्चन है, किस देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो सबसे पहले लगाया था, अजीब बात है ना, ये इंडिया ही इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और हमारी जो पॉपुलेशन, डैश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग इन 2022, 2002 में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रबंध लगाने वाला पहला देश कौन था, अब इंडिया नहीं है, अब बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जीके के हल्के फुल्के क्वेश्चन है वैसे बन रहे। विच कंट्री हैज द मोस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक? फिलीपाइन, इंडिया, मलेशिया, चाइना? सबसे ज्यादा किसका है? हाँ, तो ये एडिशनल नॉलेज है आपके लिए। फिलीपाइन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर इंडिया है, मलेशिया 3 पर है, चाइना 4th पर है। इस ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं। पिम, ये प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी मात्रा है ये टेबल है, देख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। फिलीपाइन में सबसे ज्यादा है, कितने मैट्रिक टन है एनुअल ओशीन प्लास्टिक वेस्ट? इतने मैट्रिक टन है भारत में, 12 है पहली डिजिट देखेंगे, ये छोटी होगी ना, 7 रह गया, 7 रह गया, तो पूरी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर रीड भी करना है आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक? प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, माइक्रो बीड्स फॉर्म कॉस्मेटिक्स। मैं इसको इसको मैंने क्यों नहीं रखा डिफिकल्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें लिखा ही हुआ है। एक तो ये लॉन्ग टेल क्वेश्चन है और माइक्रो वर्ड यूज ही किया गया है, दैट इज वाई इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट या डिफिकल्टी में नहीं रखा। राइट आंसर इसका ये था। हाउ डज प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट्स बर्ड्स एंड मेरीन एनिमल्स? प्लास्टिक प्रदूषण पक्षियों और समुद्री जानवरों को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, प्लास्टिक ने नेगेटिव ही करना है, पॉजिटिव तो करना ही नहीं है। पोल्यूशन आ रहा है, इम्प्रूव ये नहीं आएगा, ये रिजेक्ट हो गया, नेगेटिव है। और इट एनहांस देयर रिप्रोडक्शन, नेगेटिव है। इट कैन कॉज एंटेंगल एंड, हाँ, इट कैन कॉज, हिंदी में क्या है इसको साथ में देखेंगे, ये उलझाव और अंतग्रहण के कारण बन सकता है। इट कैन कॉज एंटेंगलमेंट एंड इनजेसेशन, तो ये प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। यस होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, इम्प्रूव है ना, ये पॉजिटिव है, ये एनहांस रिप्रोडक्टिव, इसको पॉजिटिव यहाँ क्वेश्चन मार्क में रखा है। इट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। हमारा जो आंसर है ये बन गया है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 22nd, विच मटीरियल इज बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक? हिंदी में क्वेश्चन है आपका, और एल्यूमिनियम है, ग्लास है, ये क्या है, स्टायरोफॉर्म है, पॉलीस्टेरेन है, इनमें से कौन सा है बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक? राइट आंसर इज ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉमनली यूज इन फूड पैकेजिंग? ये हाई वाली नहीं होती, पहले भी हाई डेंसिटी वाली नहीं होगी, ये पहले रिजेक्ट करेंगे। पीवीसी नहीं होती, पहले भी ऐसे आ चुका है, रिजेक्ट करेंगे। ये बिल्डिंग मटेरियल में रिजिडिटी काफी होता है, तो ये हमने करा था कि ट्रांसपेरेंसी से याद रखा, तो पेट इस पर राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है, दूसरा जो कंफ्यूज कर सकता है वो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन हो सकता है। 24th है, हाउ डज प्लास्टिक पोल्यूशन इंपैक्ट टूरिज्म एंड कोस्टल इकोनिज्म? मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इट अट्रैक्ट्स, नहीं, बूस्ट लोकल बिजनेस, नो, डेटर टूरिज्म एंड हार्म, हार्म के बेस पर इसको राइट आंसर लगाएंगे, ये नेगेटिव इंपैक्ट है। नेक्स्ट है 25th, ये रहा 24वां और ये 25वां। वट इज दी टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्लास्टिक इंटू बेसिक कॉम्पोनेंट्स फॉर रीसाइक्लिंग? डीपोलाइजेशन, एंड फिलिंग। लैंड फिलिंग बहुत दूर की बात है, ये रिजेक्ट करते हैं। तो जब ये आ रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकिंग डाउन से मैंने अंदाजा लगाया है कि डी जो है ये काम करेगा, तो राइट आंसर यही है। नेक्स्ट है 26th, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन? पहले भी आ चुका है, वैसा ही क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, राइट आंसर होगा। 27th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्लास्टिक अल्टरनेटिव फॉर पैकिंग? रैप फॉर्म पीनट्स, बायोडिग्रेडेबल पैकिंग पीनट्स। देखिए यहाँ हिंट मिल गया है, इसीलिए इसको मैंने बायोडिग्रेडेबल आ गया ना, पैकिंग पीनट्स, तो
तो ये इसके बेस पर, और लॉन्ग टेल भी बन रहा है इसको हम, मैं प्रेफर कर रहा हूँ, राइट आंसर यही है प्लास्टिक रैप। तो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि नॉन प्लास्टिक उन्होंने पूछा है, ये प्लास्टिक है ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 28th, हाउ डज प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट्स वाटर क्वालिटी? इट इम्प्रूव्स नहीं, इंक्रीज ऑक्सीजन नहीं, कंटेमिनेशन वाटर विद टॉक्सिक। हाँ बिल्कुल सिंपल आंसर है, सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, सॉरी यूज टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ डेलिब्रेटली सिंकिंग प्लास्टिक वेस्ट इन सी? मरीन डंपिंग, मरीन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कैसे हो सकती है? ये तो पॉजिटिव हो गया ना, मरीन तो ये हो गया प्लास्टिक बरियल और सब सी डिस्पोजल, ये कन्फ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन डंपिंग है, ओशीन डंपिंग टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन पोल्यूशन, सॉरी प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बाकी इससे रिलेटेड प्लास्टिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट है, वो लर्न करेंगे, उसके लिंक नीचे दिए गए होंगे, देख सकते हो, लर्न टू एक्चुअलाइज। डॉक्टर धीरज सिंह, थैंक यू।